अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल होम डिजाइन पाकिस्तान। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको फ्लाई ऐश ब्रिक्स के बारे में मुकम्मल मालूमात देने जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें फ्लाई ऐश ब्रिक्स की, तो ये आम ईंट के मुकाबले में 50 गुना ज्यादा सस्ती होने के साथ साथ मजबूती में भी अपना कोई सानी नहीं रखती और आप इसे बिला झिझक अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बरवक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, आमतौर पर पाकिस्तान और इंडिया में 99% घरों में सुर्ख ईंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक तो हर जगह आसानी से मिल जाती है, जबकि दूसरी तरफ हमारे जहनों में ये बात बैठ चुकी है कि ईंट ही घर बनाने के लिए सबसे मजबूत अवेलेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जबकि दूसरी तरफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के शोबे में इतनी ज़्यादा इनोवेशन कर चुके हैं कि रेड ब्रिक्स कहीं पीछे रह गई हैं और इन्हीं इनोवेशंस में से एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स भी हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनती कैसे हैं, तो हम आपको बता दें कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स को बनाने का तरीका बहुत ही सादा है। इस ईंट की तैयारी में कोयले की राख, जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और प्लांट्स में से जलने वाले कोयले के बाद हासिल होती हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नॉर्मल सीमेंट और बारीक रेत की एक खास मिकदार भी इस ईंट की तैयारी में इस्तेमाल होती है। नाज़रीन, इन तीनों मटेरियल्स को एक साथ मिक्स करके इसमें वाटर की एक कैलकुलेटेड मिकदार शामिल की जाती है, जिसके बाद इस मटेरियल को ईंट की शक्ल दे दी जाती है। नाज़रीन, फ्लाई ऐश ब्रिक्स के अंदर कोयले की राख इस्तेमाल होने की वजह से इसकी कॉस्ट आम ईंट के मुकाबले में आधी पड़ती है और इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके अंदर पानी को जज़ब करने की सलाहियत बहुत ही कम होती है। इसका आपको ये फायदा होगा कि आपके घरों की दीवारों के अंदर कभी भी सेम नहीं लगने वाला, जबकि आम ईंट की दीवार आसानी के साथ सेम का शिकार हो जाती है। फ्लाई ऐश ब्रिक का एक और बड़ा फायदा ये है कि इसकी लाइफ और वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत आम ईंट के मुकाबले में कहीं ज्यादा होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपने घर में आम ईंट की जगह फ्लाई ऐश ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर की मजबूती कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा घर की दीवारों की फिनिशिंग पर भी फ्लाई ऐश ब्रिक का बहुत असर पड़ता है और आपके घर की दीवारें हमेशा साफ सुथरी नजर आती हैं। नाज़रीन, फ्लाई ऐश ब्रिक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस ईंट के इस्तेमाल से आपके घर का खर्चा कई गुना कम हो जाता है, क्योंकि इस फ्लाई ऐश ब्रिक के इस्तेमाल की वजह से आपका सीमेंट और दूसरा मटेरियल ईंट के मुकाबले में 25 से 30% तक कम लगता है। यानी अगर आपका एक दीवार बनाने पर आम ईंट इस्तेमाल करते हुए 3500 से 3000 रुपए का खर्च आता है, तो ऐश फ्लाई ब्रिक्स की सूरत में आपका यही खर्च 2100 से 2200 रुपए के दरमियान आएगा। नाज़रीन, इस वीडियो के आखिर में हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर फ्लाई ऐश ब्रिक्स के बहुत ही कम प्लांट मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि बहुत सी चाइनीज इंडस्ट्रीज इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान लाने के लिए सरगर्म है और बहुत जल्द ही ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आ जाएगी, जिसके बाद आप इसे आसानी के साथ खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। अब दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।